And it's ready. So let's try this. बहुत गर्म है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद अलका, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं ट्रैवल, फूड एंड लाइफस्टाइल को. इन टुडेज वीडियो वी विल बी एक्सप्लोरिंग नॉर्थ इंडियन स्पेशलिटी वेजिटेरियन फूड, एंड मैं आपको आज लेके आई हूँ वाशी में. तो चलिए लेट्स गो एंड ट्राई बीकानेर वाला, विच इज फेमस फॉर इट्स नॉर्थ इंडियन फूड. जी यहाँ के मैनेजर हैं ये, तो इनसे हम बात करते हैं इस आउटलेट के बारे में. तो बप्पा जी, ये आउटलेट कितना पुराना है, कब से है यहाँ वाशी में? ये आउटलेट में यहाँ पे ओपनिंग से हूँ. अच्छा, तो ये आउटलेट 2017 में 15 अप्रैल को चालू हुआ था. सो 2017 अप्रैल में ये आउटलेट यहाँ पे शुरू हुआ था, और तब से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है नॉर्थ इंडियन फूड के लिए, करेक्ट? यस मैम. तो स्पेशल आइटम्स कौन से हैं आपके यहाँ पे? हमारे स्पेशल आइटम जो है यहाँ बहुत ज्यादा जो है अभी आप सेलिंग होता है, छोले भटूरा बहुत अच्छा है. छोले भटूरे सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग आइटम है. यस, we are going to try all the famous things and the popular things which are available over here, and we'll also check the recipe of few of the items. So aap kya suggest karte hain, hum abhi kya khana chahiye hame sabse pehle? Aap chaat mein try kariye raj kachori, then chole bhature. सो गाइस, ये अभी राज कचौरी यहाँ पे बन रही है जिसका हमने ऑर्डर दिया है. तो ये पापड़ी इसमें डाला है इन्होंने, बड़ी सी पूरी लेके, जो राज कचौरी एक्चुअली होती है. इसके बाद आलू डालेंगे इसमें, चना मोर डालेंगे, चना मोर, ओके, विच इज स्प्राउट्स एक्चुअली, मसाला होता है राज कचौरी का जो मसाला डाल दिया इन्होंने, दाल चटनी. ओके, अब लाल चटनी आई है इसमें, मीठा दही अंदर जाएगा, और इसमें जाएगा मीठा दही. वाव, बहुत ही टेम्पटिंग दिखाई दे रहा है. भल्ला, अच्छा, भल्ला को भी इसमें तोड़ के ऊपर से डालेंगे, राइट? आधा पीस, आधा पीस डालेंगे. ओके, ऊपर से फिर से दही. ओके वाव, फिर से दही डाला इन्होंने, मीठा वाला, ठंडा और मीठा, राइट? ओके, इसके बाद लाल चटनी डालेंगे. अब फिर ये डाल रहे हैं इसमें लाल चटनी. हम ट्राई करेंगे राज कचौरी, विच इज अ प्योर नॉर्थ इंडियन स्पेशलिटी. तो ये देखिए, ये एक तरफ से मैंने इसको एक बाइट ले लिया है अपने स्पून में. बहुत बहुत यम है. इट्स अ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स विद द तीखी मीठी चटनी एंड ठंडा ठंडा दही, सो इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. जो बीच में ये सॉफ्ट वाला दही भला आ रहा है, उसकी वजह से और ज्यादा अच्छा लग रही है. हमने ऑर्डर दिया है छोले भटूरे का, और भैया भटूरे बना के दिखा रहे हैं हमें. चलिए भैया, शुरू कीजिए. भटूरा बना रहे हैं, ये भटूरा का पेड़ी है. हाँ जी, उसको हम बोलेंगे अच्छे से. हाँ
है ये हमारा प्योर देसी घी तैयार हो चुका है, फुल फ्राई हो चुका है ये भटूरा। तो अब भैया प्लेट लगा रहे हैं और इसमें इन्होंने पहले डाली है प्याज और नींबू और ये क्या, ये बॉइल मसाला पोटैटो एंड इसके साथ ग्रीन चिल्ली भी दी है इन्होंने मसाले वाली और थोड़ा सा पिकल। जैसे कि यूजुअली नॉर्थ इंडिया में आप जाओगे तो छोले भटूरे इसी तरह से सर्व होते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में। और ये है छोले। सो छोले इन्होंने देसी घी में ही इनकी प्रिपरेशन होती है, भटूरे की भी और छोले की भी। पनीर से इन्होंने गार्निश कर दिया है इसको एंड वाव इट्स लुकिंग अमेजिंग एंड इट्स रेडी। सो लेट्स ट्राई दिस। तो ये है छोले भटूरे जिसके लिए स्पेशली हम यहाँ पर आए थे, फूले फूले गर्मा गर्म भटूरे जो इन्होंने देसी घी में बनाए हैं। बहुत गर्म है। इसके साथ मैं खाऊंगी प्याज, ये मसाला आलू। सुपर टेस्टी एंड यू हैव टू कम हियर टू ट्राई दिस। इनका फूला फूला भटूरा जो देसी घी में बना है, साथ ही ये छोले भी एंड इट्स अ ट्रीट एंड यू जस्ट कैन नॉट मिस दिस व्हेनेवर यू कम हियर टू बीकानेर वाला। एंड गाइस जब मैंने इसको नींबू और प्याज के साथ खाया यू जस्ट कांट मिस इट। हम आ गए यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ऑल आइटम्स मतलब सर्व होता है, सर्विस हमारा बेटर ही करते हैं। अच्छा। और क्या किसी को अगर बर्थडे पार्टी या कोई किटी पार्टी कुछ भी अरेंजमेंट करना होता है। अच्छा। तब हम ये फ्लोर उनको दे देते हैं। और तंदूरी प्लेटर आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। तंदूरी प्लेटर में क्या-क्या? इसमें आता है तंदूरी आलू, स्टफ्ड पनीर का रहता है उसके अंदर। ओके। और उसमें मशरूम टिक्का आता है और सोया पनीर चाप आता है और पनीर टिक्का आता है। तो हमने तंदूरी प्लेटर ऑर्डर किया है और ये है यहाँ पे तंदूरी किचन। तो देखते हैं यहाँ पे भैया कैसे बना रहे हैं। तंदूर ने यही सेकने के लिए रखे हैं। अच्छा, ये चारों चीजें आपने इसमें डाल दी है। हाँ जी मैम। ओके, ये रेडी हो गया हमारा। अच्छा, ये रेडी हो चुका है। ये हॉट प्लेट है तो इसमें आप सर्व करने वाले हैं। ये बहुत सारा बटर डाल दिया भैया ने सब तंदूरी आइटम्स के ऊपर, चाट मसाला। हाँ, अब वो जो स्मोकी स्मोकी खुशबू आती है ना रेस्टोरेंट में, वैसी वाली खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो कैबेज का बेड लगाया है और ये जो चारों चीजें हैं, पनीर है, मशरूम है, आलू है और क्या है, चाप है, चाप, सोया चाप। ओके, तो दिल्ली का फेमस सोया चाप, मुंबई में बहुत कम मिलता है ये। वाओ, और बहुत सारा बटर। तो हमने तंदूरी प्लेटर ऑर्डर कर लिया है और उसकी मेकिंग भी मैंने आपको दिखा दी है। अब हम वेट कर रहे हैं हमारा प्लेटर आने की और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हर आइटम का कैसा टेस्ट है। तो ये है आलू, तंदूरी आलू, दिस इज पनीर और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है।
ये थोड़ा सा वेजीज में ले लेती हूँ एंड दिस इज मशरूम एंड ये है सोया चाप। इसके साथ में दी है इन्होंने ये ग्रीन चटनी और ये इन्होंने दाल मखनी और नान हमें दिया है कॉम्प्लीमेंट्री तंदूरी प्लेटर के साथ। तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है तंदूरी वाली एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले मैं ये ट्राई करती हूँ आलू। तंदूरी आलू इज सुपर्ब, इट इज जस्ट यम एंड लेट मी ट्राई द पनीर। ये पनीर बहुत सॉफ्ट एंड जूसी दिखाई दे रहा है और मुझे खाने से पहले पता है कि ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसका जो लुक है इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पनीर इज सिंपली सुपर्ब, बहुत कम जगहों पे इतना जूसी पनीर मिलता है। मुंबई में मिलता है बट बहुत कम और बीकानेर वाला इज द ओनली आउटलेट हियर इन नवी मुंबई, देयर इज नो अदर ब्रांच ऑफ बीकानेर वाला। सो इट्स आउटस्टैंडिंग जो पनीर इनका मैंने खाया एंड प्लस आलू। खुशबू जितनी बढ़िया है टेस्ट और क्वालिटी भी उतनी अच्छी है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ट्राई सोया चाप। इसके अंदर ये कुछ फिलिंग दिखाई दे रही है, से ग्रीन चटनी के साथ में ट्राई करती हूँ। Equally good. So whenever you come to Bikaner wala, I would highly recommend you to try this tandoori platter. And next I'm going to try is the mushroom. Mushroom bhi bahut juicy lag raha hai. It is not hard and not dry. It is very juicy. Bahut sari jagahon pe dry sa ho jata hai tandoor mein. To be honest, आई कैन टेल यू कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है। चारों चीज़ें बहुत अच्छी बनी हैं, ऑल द थिंग्स आर वेरी जूसी एंड सॉफ्ट एंड तंदूर की जो खुशबू है जो पूरे यहाँ पे पूरे में फैली हुई है, द टेस्ट इज इक्वली गुड। सो इट इज़ अ मस्ट ट्राई व्हेनेवर यू कम हियर। और इसके साथ में जो इन्होंने टमाटोज वगैरह दिए हैं, कैप्सिकम वगैरह, मैंने इतना जूसी टमाटो और कहीं खाया नहीं अब तक। So next I'm going to try this dal makhani and naan. This really looks very tempting. So let me just try this. Superb, it is very authentic. अगर आपको नॉर्थ इंडियन फूड जो स्पेशली दिल्ली में हम खाते हैं, दिल्ली में मैंने बहुत बार खाया है, अगर आपको वो ट्राई करना है तो यू हैव टू कम टू बीकानेर वाला इन माशी। So I'm going to finish my meal now and फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ desserts के साथ। तो फलूदा के सेव इन्होंने रेडी कर लिए एक प्लेट में और अब ये केसरिया पिस्ता कुल्फी जो है ये उसके ऊपर प्रेजेंट करने वाले हैं। इसमें डालेंगे रबड़ी थोड़ा। फलूदा सिरप, जो स्वीट सिरप होता है अपना, स्वीट सिरप डालेंगे फलूदा का। अच्छा, फलूदा का सिरप। गार्निशिंग के लिए रोज सिरप। अच्छा, गार्निशिंग के लिए रोज सिरप डाल दिया है इन्होंने। और ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट जिसमें है आलमंड्स एंड पिस्ता। ब्यूटीफुल। सो ये है कुल्फी फालूदा रबड़ी। सो पेट तो बहुत भर चुका है बट डिजर्ट हम मिस नहीं कर सकते। सो लेट्स ट्राई दिस वन। इसमें पिस्ता का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है।
पहले बाइट पे मुझे बहुत ठंडा लगा, तो जब मैंने सेकेंड टाइम खाया थोड़ा सा कुल्फी को मैंने मेल्ट होने दिया एंड नाउ इट टेस्ट ट्रूली अमेजिंग। एंड दिस इज़ एक्चुअली हाउ यू शुड हैव द कुल्फी। एकदम जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा खाते हैं तो यूजुअली वो दांत में लगता है, सो यू शुड हैव इट लवली, यू शुड मेल्ट इट अ बिट एंड देन यू शुड हैव एंड देन इट टेस्ट फैंटास्टिक। सो कुल्फी हमने खा ली, थोड़ी सी मीठी कम लगी बट इट वॉज एब्सोल्यूटली फ्लेवरफुल। We missed the rubbery jalebi today because the jalebi का जो कारीगर है वो आज आया हुआ नहीं है, so maybe next time. So पापा जी thank you very much, खाना बहुत अच्छा लगा हमको, it was very authentic. जो north India में जो taste मैंने खाया है, Delhi में जो बड़े बड़े outlets होते हैं, पूरी पूरी buildings होती है इनकी, हल्दीराम्स की, बीकानेर वाला की, आप इसको comparison कर सकते हो, इतना अच्छा बढ़िया authentic taste है। So I recommend you guys whenever you come this side to Vashi, तो आप आके बीकानेर वाला में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच पापा जी, आपने बहुत बहुत अच्छे डिशेस बना के हमको खिलाए। थैंक यू मैम। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक एंड इस वीडियो में आप मुझे बताइए कि कितने लाइक्स आप मुझे दे सकते हैं। भर भर के लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए यूट्यूब पे एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन गेट सब्सक्राइब। So we will meet with yet another interesting food vlog very soon. Till then, stay safe, stay healthy, stay happy and goodbye.